था मेरे पास कि स्टोरी सेवर एप्लीकेशन में पासवर्ड फॉरवर्ड कैसे करें। काफी सर लगातार मेरे पास कमेंट आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हो स्टोरी सेवर एप्लीकेशन में, और आप स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हो लॉग इन करके, ठीक है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि लॉग इन ही नहीं हो रहा, बिना लॉग इन के आप स्टोरी सेव कर नहीं सकते हो। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के ऐप रिव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स कभी कभी जियो ट्यून्स के लिए भी, जहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉल। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको पासवर्ड को करना है फॉरवर्ड। मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी को के पासवर्ड को फॉरवर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है एनश्योर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है स्टोरी सेव करने के लिए या फिर एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हैशटैग जनरेटर हो गया, डीपी डाउनलोडर हो गया, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन पर आपको जरूर मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद हम आ गए हैं इनश्योर ऐप के मेन इंटरफेस पर। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम पर जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कर रहा है, क्योंकि बिना लॉगिन किए हुए आप स्टोरी से को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है फोन नंबर, यूजर नेम या ईमेल, ठीक है। अब इसका मतलब तो आप समझ लीजिए, जिस या तो आप फोन नंबर से अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाए होंगे, या फिर यूजर नेम से, या फिर ईमेल, या तो काफी सारे लोग फेसबुक से ही डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। आप फेसबुक से अगर आपको लॉगिन करना है, तो सिंपल बात है कि आपको फेसबुक का पासवर्ड फॉरवर्ड करना होगा, और फेसबुक का पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए आपको कंटिन्यू विद फेसबुक पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नंबर या फिर ईमेल डालना होगा, और पासवर्ड की जगह आपको पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड भूल गए पे क्लिक करोगे, तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, या फिर आपने ईमेल आईडी कनेक्ट कर रखा है तो ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, और आराम से आप यहाँ से पासवर्ड फॉरवर्ड कर पाओगे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन के थ्रू करते हैं। यहाँ से हमको फिर से करते हैं ओपन, और अब हम लोग लॉगिन करके देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आ गया हमारे सामने ऐड, यहाँ पे इसे कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे हमको सिंपली जाते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद लॉगिन टू इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, उसके बाद गेट द ऐप कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यूजर नेम देना है। यूजर नेम कहाँ रहता है, या मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। और आप भी अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको ये तो पता होगा यूजर नेम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड की जगह क्या है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉरवर्ड पासवर्ड को क्लिक करना है। लाइव प्रूफ है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे स्काई डॉट ट्रिक्स ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है, डॉट नहीं लिखा मैं, ठीक है। यहाँ पे स्काई डॉट ट्रिक्स, यहाँ पर मैंने सेंड लॉगिन लिंक पर क्लिक किया। अब ये मेरे नंबर पर एक लॉगिन लिंक भेज दिया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखना एक मैसेज आएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, यहाँ पे देखो, ठीक है। टैप टू गेट इनटू योर इंस्टाग्राम अकाउंट, अब इस लिंक पे क्लिक करके हम आसानी से अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड को फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आप क्या कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर के थ्रू भी यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि ओपन पे क्लिक किया, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे गया, क्रोम ब्राउजर पे जाकर के यहाँ पर आप पासवर्ड को फॉरवर्ड कर लिया काफी ईजिली तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले लिंक खुलेगा, लिंक खोलने के बाद रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, अब यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड दोनों जगह लिख दो, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दो, ऐसे हमेशा रिमेंबर लॉगिन इन्फो पे टिकआउट हटा देना, ठीक है। इस तरह से आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली वापस से जाना है इनश्योर एप्लीकेशन में, और आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन टू इंस्टाग्राम करना है, और जो आपने नया वाला पासवर्ड डाला है और यूजर नेम दिया है, उस यूजर नेम से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो यही है तरीका, जहाँ से अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है आईडी, तो ऐसे इस तरह से आप कर सकते हो। लाइव प्रूफ मैंने करके दिखा दिया, स्टेप्स को फॉलो करो, काफी इजीली तरीके से आपका पासवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो में रखते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए आज की इस वीडियो से। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे क्या आप रिव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और कभी कभी यूट्यूब के लिए भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।